बच्चों, लास्ट टाइम पे हमने 10.3 का क्वेश्चंस थर्ड सॉल्व किया था। आज हम फोर्थ देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हूज रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। अभी तक हमने क्या निकाला था? अभी तक हमने कर्व जो सरफेस एरिया निकाल लिया है और वॉल्यूम निकाल लिया है। वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला सॉल्व, उसके बाद हाइट हमने निकाल ली, ठीक है। और अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो सिलेंडर में रेडियस तो हमें दे रखी है 7 मीटर और हाइट है हमारी 21 मीटर। सॉल्व करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर रेडियस गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 21 मीटर। तो 7 मीटर रेडियस है और हाइट 21 मीटर है, ये गिवन में आपको लिखना है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला है 2πr r + h। तो 2 × π की जगह पर 22/7, मल्टीप्लाई आर की जगह पर 7, ब्रैकेट आर की प्लेस पर 7 प्लस एच की प्लेस पर 21। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 28। और यहाँ पर 7 अपॉन में और 7 मल्टीप्लाई में, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 2 × 22 × 28, क्योंकि 7 + 21 = 28। सभी का मल्टीप्लाई कर लिया तो 1232 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो यही हमारा आंसर है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1232 मीटर स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 3080 cm³ एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें रेडियस निकालनी है, ठीक है, और हमें वॉल्यूम गिवन है और हाइट गिवन है। तो बच्चों सिमिलर एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो 5 वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, सिमिलर है वो। 15 नंबर का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, सेम वैसा ही आपको सॉल्व करना है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हाइट के नाम से है 20 सेंटीमीटर और वहाँ पर डिप्त मतलब गहराई के नाम से है, ठीक है। तो गहराई और हाइट एक ही माना जाता है सिलेंडर फॉर्मूले में। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वो बिल्कुल 5th के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 3080 cm³। इफ़ इट्स डिप्थ इज 20 सेंटीमीटर, डिप्थ मतलब कि हाइट 20 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर। तो यहाँ पर हमें डायमीटर निकालना है, लेकिन हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर 5th देखा वहाँ पर रेडियस, तो क्वेश्चन यही है, बस यहाँ पर डायमीटर निकालना है। तो रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 5th वाला और 15 वाला बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम। कैपेसिटी ऑफ टैंक हमें गिवन है 3080 cm³, डिप्थ मतलब गहराई, और उसको हम हाइट भी बता सकते हैं, तो 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो पहले कैपेसिटी किसको शो करता है? वॉल्यूम को, है ना। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू π r² h। कैपेसिटी की जगह पर 3080 और इक्वल पाई की प्लेस पर 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। हमें रेडियस फाइंड करना है क्योंकि डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर तभी निकला जब रेडियस आएगी। मल्टीप्लाई हाइट 20 दे रखा है। अब ये 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, और 22 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा। तो 7 ऊपर चला गया 3080 के साथ मल्टीप्लाई में, और 22 और 20 अपॉन में आ जाएगा, तो 22 × 20 इक्वल टू r² बचा। अब 10 से 10 कैंसिल, फिर 11 से कट किया, 11 × 2 = 22 और 8 बचे तो 11 × 8 = 88। फिर हमने इसको 2 से कट किया, 2 × 2 = 14, फिर 2 से कट किया, 2 × 2 = 2, 7 = 14। तो 7 2 9 है, तो हम 7 r² = 7 × 7, तो 7 को क्या लिख सकते हैं? 7² तो दोनों तब स्क्वायर है, तो नीचे का बेस सेम रहेगा, मतलब r = 7 cm। तो ये रेडियस आ गई, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर आ चुका है ना। रेडियस आप उसमें निकाल चुके हो, तो वहाँ पर भी आंसर 7 cm आएगा, लेकिन यहाँ पर डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर का फार्मूला होता है 2 × रेडियस,
तो 2 × 7 मतलब डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 भी सॉल्व हो गया और 5th भी सॉल्व हो गया, यहाँ तक 5th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन एक साथ हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 2156 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर इज इट्स बेस इज 14 मीटर। इफ़ पाई इक्वल टू 22/7 फाइंड द डिप्थ ऑफ द टैंक। डिप्थ मतलब कि गहराई, गहराई मतलब हाइट निकालनी है यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर हमें एच निकालना है। तो कैपेसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है और डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर से हम पहले रेडियस निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो 16 वाला होमवर्क हो जाएगा, हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटी दे रखी है टैंक की 2156 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर हमारा 14 मीटर है। पहले हम रेडियस निकालेंगे आर डायमीटर बाय 2, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। 14 बाय 2 तो 7 मीटर हमारा रेडियस आ चुका है। डिप्थ मतलब कि एच हमें फाइंड करना है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक मतलब कि वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो 2156 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 हमें गिवन है, मल्टीप्लाई आर हमारा क्या है 7, तो 7 को हम 2 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई एच, डिप्थ हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2156 में 7 से 7 तक कट हो गया। अब 22 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये अपॉन में आएगा। तो 22 × 7 7 से हमने कट किया, 7 × 7 7 × 3 = 21, 7 का 5 में नहीं जाएगा उसकी 0, 5 उसके बाद 56 हो जाएगा। तो 7 × 8 = 56। फिर हम इसको 11 से कट करें, 11 × 2 = 22, 11 × 2 = 22, फिर 8 बचा, 11 × 8 = 88। फिर 2 से कट करें, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 4 × 8 = 14। तो हमारा जो एच आया वो आया 14 मीटर। अब हमारी डिप्थ आ चुकी है यहाँ पर, तो आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर डिप्थ ऑफ टैंक इक्वल टू 14 मीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। 16 वाला क्वेश्चन होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने अभी सॉल्व किया उसी तरह का क्वेश्चन है। सर सिलेंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी दे रखी है 3080 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर से फिर हम रेडियस बना देंगे, 28 का हाफ हो जाएगा 14, और डिप्थ निकाल लेंगे जिस तरह से अभी हमने सॉल्व किया इसी तरीके से। तो ये आप क्वेश्चन होमवर्क में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्राई सर्कुलर सिलेंडर। इफ़ इट्स रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, और वो सॉलिड किस फॉर्म में है, सिलेंडर। तो सिलेंडर की लेंथ का मतलब होता है हाइट दे रखी, तो ये 8 सेंटीमीटर हाइट है, ये हमारी रेडियस है और हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लिख कर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लेंथ मतलब सिलेंडर की हाइट बताता है, तो हाइट हमारे पास 8 है। तो गिवन में हम लिखें, रेडियस हमारे पास आर 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर है एच इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 आर स्क्वायर, तो 3.5 2 टाइम आएगा, मल्टीप्लाई एच की जगह पर 8। अब पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 1 लिखकर 10, क्योंकि 1 नंबर है। फिर हमने इसको 7 से कट किया, 7 × 7 = 7, 7 × 5 = 35, फिर 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, फिर 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 11 टाइम कट हुआ है। तो लास्ट में 11 × 3.5 × 8 बचा, और सभी का मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा 308 आ गया। पॉइंट के बाद 0 आएगा, तो उस पॉइंट को हम हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद की 0 का मतलब नहीं होता है। तो 308 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। तो बच्चे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम 15 क्वेश्चन होमवर्क में दे चुके हैं, आपको करवा भी चुके हैं। तो 15 हमें करना है, 16 अभी होमवर्क में दिया है आपको, 17 क्वेश्चन कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन के बाद
18, 19, 20 भी हम नहीं करेंगे, मतलब ये हमारे इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इन होल राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 meter एंड हाइट 7 meter कैन होल्ड। तो ऐसे सिलेंडर जो इसकी रेडियस 1 meter है और हाइट 7 meter है, उसमें कितने लीटर ऑफ वाटर आ सकता है, वो कितने लीटर ऑफ वाटर को होल्ड करके रख सकता है, तो वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास रेडियस है 1 meter, हाइट है 7 meter। अब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, तो यहाँ पे एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें हम वाटर को भर कर रख सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो फार्मूला लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा क्या है 1 meter, 1 × 1 meter इंटू हाइट है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 का 1 में हुआ 22 ही आएगा, तो 22 meter cube। अब हमें हाउ मेनी लीटर्स लिखा है, मतलब लीटर में आंसर देना है, तो हम जानते हैं 1 meter cube = 1000 liter होता है। तो मीटर क्यूब क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, लीटर यहाँ पे स्मॉल हुआ, तो मीटर क्यूब ग्रेटर को क्या बनाना है, स्मॉल बनाना है। तो जब भी हम ग्रेटर को स्मॉल यूनिट बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 में मल्टीप्लाई होगा 1000 liter का, तो 22000 liters हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतने लीटर पानी उस सिलेंडर में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नया चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो